संयोगादि स्वरूप अनुरूपतेश्च संयोग विभाग द्वित्व द्विपृथक्त्व सामान्यादयो अपि परास्तावितव्य कह चुके थे हेतु से, क्यों एक का अनेक वृत्ति असंभव है, एक वस्तु अनेकों में वृत्ति हो यह असंभव है, इसलिए सब अपने आप परास्त हो, एक हेतु से खंडन हो गया। इतना ही नहीं, वास्तव में संयोगादि का जो स्वरूप है उसका भी निरुक्ति आप नहीं कर सकते। तथा ही किम अप्राप्ति व प्राप्ति संयोग अनित्य संबंध वा जन्यत्व विशेषितो वा अव्याप्य वृत्तित्व विशेषितो वा द्रव्य असमवाय कारण वृत्ति गुणत्वान्तरजातियो वा सर्वथा अनुपपद्यते। पांच लक्षण कर रहे हैं और करे पांचों में से किसी प्रकार से भी संयोग का आप निर्वचन नहीं कर सकते। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम संयोग माना जाए अथवा अनित्य संबंध का नाम, नित्य संबंध समवाय हो गया, अनित्य संबंध संयोग हो जाएगा। जन्यत्व विशेषितो वा जन्यत्व से विशिष्ट अनित्य संबंध ऐसे ले लो, या अव्याप्य वृत्तित्व विशिष्ट अनित्य संबंध ले लो, इन सभी में दोष आएगा। इसलिए अनित्य जन्य अव्याप्य वृत्ति ये सब कहाँ नहीं कटेंगे, आकाश आदि व्यापक संयोगों में, क्योंकि अनित्य है नहीं वो, उत्पन्न होकर विनाशशाली संयोग तो है नहीं, जन्य भी नहीं है, अव्याप्य वृत्ति भी नहीं है, पूरा आकाश में पूरे आत्मा का व्याप्त है। इसलिए उन सब शब्दों को निकाल करके कहता द्रव्य असमय कारण वृत्ति गुणत्व जो अवान्तर व्याप्य जातियों वा, द्रव्य के असमय कारण अनेकों हैं रूपादि, उसमें से संयोग मात्र में ले जाना है, इसे कहते हैं द्रव्य के असमय कारण वृत्ति जो गुणत्व का अवान्तर जाति, गुणत्व का अवान्तर जाति और संयोगत्व जाति तद्वान संयोग मान लेंगे। सर्वथा अनुपपद्यते यह किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता। पांचों लक्षण अन्योन्य संश्रयापत्ते रतिव्याप्ति प्रसंगतः अव्याप्ते रज संयोगे द्रव्यत्वाद्य निरूपणात्। सबसे पहले आत्माश्रय दोष और अन्योन्याश्रय दोष है। अप्राप्त प्राप्ति, अप्राप्त का अर्थ क्या करें, अप्राप्त का अर्थ क्या करेंगे आप, संयोग रहित, संयोग रहित का प्राप्ति हो गया, आपने संयोग का लक्षण करने के लिए संयोग शब्द जोड़ दिए तो आत्माश्रय हो जाएगा, और यदि इससे भिन्न कहा दोगे तो उस संयोग की व्याख्या पूछूंगा तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इसे कहते अन्योन्य संश्रय आपत्ति है अतिव्याप्ति प्रसंगतः, और अतिव्याप्ति दोष भी है, अनित्य संबंध आदि लक्षण बनाओगे अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। और चारों के लिए सामान्य अव्याप्ति अज संयोग है, अज संयोग में इन चारों लक्षणों की अव्याप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति भी नहीं, वहां अनित्यत्व भी नहीं है, जन्यत्व भी नहीं, अव्याप्य वृत्तित्व भी नहीं, अव्याप्ति दोष आ जाएगा। और अंत वाले लक्षण में सीधे हमें ये कहना है, हमने पहले खंडन कर चुका हूँ, द्रव्य का भी खंडन हो चुका है, गुण का खंडन हो चुका है, जाति का भी खंडन हो चुका, इसे द्रव्यत्व से घटित गुणत्व से घटित अवान्तर जाति शब्द घटित ऐसा लक्षण असंभव दोष ग्रस्त न तावदात्य अप्राप्ति शब्द है ना संयोग अभाव विवक्षायाम आत्माश्रयत्वात् है ना, अप्राप्ति शब्द से क्या लेना लोगे यहाँ पर, तो संयोग का अभाव लोगे फिर तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। संबंध अभाव विवक्षायाम तंत्र पटे संबंध अतिव्याप्त है, यदि आप कहोगे संबंध सामान्य भाव, अप्राप्ति मैंने किसी चीज के संबंध ज्ञान नहीं हो रहा था, अप्राप्ति होने संबंध ज्ञान हो जाना, इसी का नाम संयोग है, तब कहते हैं विवक्षायाम तंत्र पटे संबंध अतिव्याप्त है, तंत्र पट का बीच जो संबंध है जो वहां क्या है समवाय संबंध उसमें अतिव्याप्त हो जाए, वो भी कैसा है संबंधाभाव, संबंधाभाव विशिष्ट प्राप्ति है वहां पर भी, पहले संबंध में पट है ही नहीं, जब पहले पट था ही नहीं तंत्र में पट का संबंध कहाँ था, नहीं था, जब पहले तंत्र में पट संबंध का भाव है फिर पट उत्पन्न होने के बाद पट संबंध की प्राप्ति हो गई तंत्रों में, इसे अप्राप्त प्राप्ति अर्थ घट गया संबंधाभाव विशिष्ट प्राप्ति नहीं पटोत्पत्ति प्राग, वही समझा रहे स्वयं ही पटोत्पत्ति है प्राग पट से तंत्र भी संबंधोस्ती, पटोत्पत्ति से पहले पट का तंत्रों के साथ कोई संबंध नहीं था, संबंधी न पट से यो भावा कि संबंधी जो पट वही नहीं है पहले, इसे पहले संबंध का भाव था पट का तंतु में, बाद में पट का तंतु में संबंध ग्रहण हो गया, इसी का नाम संयोग कहते हो लक्षण उसमें चला गया, अतिव्याप्ति हो गई, तंतु पट का संबंध कौन है समवाय संबंध, आप लक्षण करते संयोग का चला गया समवाय में, समवाय से नित्यत्वाद असत्य भी संबंधी नहीं सबोधित
तब कहता है ऐसा है समय संबंध अतिव्याप्ति इसलिए नहीं है, संबंधी पूर्वपट एक संबंधी का न रहने पर भी समय तो उसमें रहेगा तंतु, इस संबंधाभाव प्रयुक्त प्राप्ति नहीं घट रहा लक्षण, अभी अतिव्याप्ति दोष दूर हो गया क्योंकि समवाय नित्य नित्य होने के नाते वहां पहले से विद्यमान है, पट हो या न हो लेकिन पट निरूपित समवाय या तंतु निरूपित समवाय पट के वहां पर विद्यमान है, तंतु में विद्यमान है, कारण विद्यमान है। वैसे समवाय से नित्यत्व असत्य भी संबंधिनी माने पट के न रहने पर भी सभवती वह समवाय संबंध कहाँ तंतु में रहेगा, इति चेत तर्री पटस्य कारणेषु तंतुषु सदा समवायात प्रागपि सत्व प्रसंग, फिर हम कहेंगे फिर तो पट अपने कारण पर तंतु में सदा रह रहा है समवाय संबंध से, समवायात समवायात तंतुषु कारणेषु पटस्य सदा समवायात प्रागपि सत्व प्रसंग, उत्पत्ति से पहले पट है ही कहना पड़ जाएगा आपको, तथा तंत्वादिनोपी कारणानाम इति न किंचित कदाचित कम स्यात्, इसे तंत्वादि कारणों को भी अपने अवयवों में ऐसे सदा रहेगा ये कहूँगा तो न किंचित कदाचित कम स्यात्, इसे ऐसे कोई कार्य उत्पत्ति का बात ही नहीं है, फिर आप पट को कार्य क्यों कह रहे हैं, कार्य उत्पत्ति का प्रश्न खत्म हो गया क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कदाचित उत्पन्न हो रहा हो, पहले नहीं था पैदा हो गया बाद में नष्ट होता हो, ये नित्य समय समय संबंधित और संबंधी सदा रहेगा वहां पर, अथापि कार्य विशेषत प्राक नास्ति, ऐसा करो कार्य रूपेण पट नहीं था, पट है लेकिन कार्यत्व विशिष्ट पट नहीं है, कारणात्मना पट है, कारणत्व नहीं है इन कारणात्मना पट कारणत्व तंतुओं में विद्यमान है, कारणत्व जो तंतु है तंतु में कारणत्व है, पट में कारण तो नहीं है इन कारण रूपेण पट तंतुओं में रह रहा है, कारण रूप से नहीं समय, इसमें एक पट का रूप क्या है तंतु है, इसे कारण रूपेण है, इसे कारणात्मना पट तीनों काल में है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये भी पूर्व पक्ष कहना चाहता है, अतः कार्य विशेषित प्राक नास्ती, इसलिए पहले कैसे नहीं था कार्य रूपेण नहीं था कारण रूपेण था, इसलिए समवाय का होने के नाते तंतु में पट विद्यमान है कह रहे हो तो हम भी मान लेते हैं, ये लोग किस रूप से विद्यमान है तो कारण रूपेण विद्यमान है, अतः कार्योत्पत्ति से पहले कार्य रूपेण तंतुओं में पट विद्यमान नहीं है, यदि चेत तर्री अप्राप्त प्रति सोप संयोग फिर अप्राप्त की प्राप्ति कहने से पट को भी संयोग संज्ञा पड़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो कारणात्मना पट का अभाव था, कारणात्मना पट का अभाव है नहीं कार्यात्मना पट का अभाव है और कार्यात्मन बाद में प्राप्ति हो गई, कार्यात्मक पट के अभाव था इसका नाम अप्राप्ति हुई और बाद में कार्यात्मक प्राप्ति हुआ, इसलिए अप्राप्ति प्राप्ति लक्षण पट में चला गया, लक्षण कर रहे थे संयोग का चला गया पट, सोप संयोग से अप्राप्त हो सतोरिति विशेषणाद दोष, तब ऐसे कहूँगा अप्राप्त उन दो की बात कह रहा हूँ जो विद्यमान अप्राप्त, अप्राप्ति हो सतो मन विद्यमान ही हो इन्हें विद्यमान नहीं ना पट कारण रूप से है लेकिन कारण कार्य रूप में विद्यमान नहीं है, अविद्यमान का प्राप्ति हो रही है, विद्यमान जो होते हुए अप्राप्ति की प्राप्ति कहो, अविद्यमान अप्राप्ति की प्राप्ति ये पट में लक्षण जा रहा है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विद्यमान अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम ही संयोग कहूंगा, यदि ऐसे कहते हो कि न सदसत संबंध असंभव न सिद्ध से पट से समवाय यदि अवश्य अभिपेयत्वाद पूर्व दोष अनधिवृत्त है, ये नहीं हो सकता कि सद असत हो संबंध असंभव है ना, फिर तो क्या हो जाएगा पट असत मानना पड़ जाएगा, असत यदि मान लोगे फिर सद और असत संबंध ही नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको सिद्धस्य पटस्य पट का सिद्धरूपता को स्वीकार करके ही आपको उसके समवाय संबंध मानना होगा, यदि अवश्य अभिपेयत्वाद पूर्व दोष अनतिवृत्त है, पूर्व दोष अतिव्याप्ति जो दिया था वैसे वैसे रह गया, आज संयोग अव्याप्ति और पहला लक्षण के अंतिम दोष दे रहे आज संयोग में अव्याप्ति भी है कि आज संयोग में अप्राप्त प्राप्ति ही नहीं, वह दोनों संबंधी नित्य आकाश नित्य आत्मा नित्य उन दोनों का संयोग भी वहां पर है, वो वहां पर लक्षण आपका गड़बड़ा रहा है, अप्राप्त प्राप्ति लक्षण नहीं है, यदि पूर्व पक्ष का है आज संयोग मानते ही नहीं, आजों का नित्यों का संयोग मानते नहीं, सेवनास्ति चेत न आकाशादिकम आत्मना संयुज्यते संयोगित्वात् घट इति प्रमाण सिद्धत्वात् आकाशादिकम आत्मना संयुज्यते संयोगित्वात् घटवत् अनुमान कर दूंगा, इस अनुमान से सिद्ध हो गया प्रमाण सिद्धत्वात्,
तब वो कहेंगे मूर्तत्व उपाधि दूंगा, नच मूर्तत्वादि रत्र उपाधि अस्ति। मूर्तत्व उपाधि के साध्य व्यापक होना चाहिए ना। साध्य क्या है? आत्मना संयुज्यत है आत्मसंयोग, यत्र यत्र आत्मसंयोग तर तर मूर्तत्व। उनके मध्य में क्या है? जहां जहां संयोग है वहां पर मूर्तत्व है, साध्य व्यापकत्व आ जाएगा। और साधन का व्यापक है, साधन आपने क्या दे दिया था? संयोगित्व। यत्र यत्र संयोगित्व मूर्तत्व नास्ति, कि जहां जहां संयोगित्व है वहां वहां मूर्तत्व कोई जरूरी नहीं है। क्यों? आकाश परमाणु संयोग मानते हैं, परमाणु मूर्त है, इन संयोग जो आकाश में है वहां पर मूर्तत्व नहीं है। दिशा में संबंध है, काल में संबंध है, वहां आप जो है मूर्तत्व नहीं है। इसी यत्र संयोगित्व तरतर मूर्तत्व नास्ति, साधन का व्यापक भी हो गया। साध्य साधन व्यापक से इसको आपको मानना ही पड़ेगा उपाधि, तो आपका अनुमान खंडन हो जाएगा। चिन्ह व्यतिरिक सिद्ध है, हमारे नियम है उपाधि का व्यतिरिक भी सिद्ध होना चाहिए। यत्र यत्र मूर्तत्व भाव है तत्र आपका संयोग भाव होना चाहिए। विपरीत भी लो साध्य भाव और उपाध्य भाव व्यतिरिक उन्हीं घटे समझा रहे स्वयं। यद अमूर्तम तद आत्मना न संयुज्यते यथारूपमिति व्यतिरेक, जो अमूर्त होगा वह आत्मा संयुक्त नहीं होता, जैसे रूप है व्यतिरेक हो गया। तत्र च असंयुक्त उपाधित, यहाँ पर असंयुक्त उपाधि हो जाएगा कि रूप क्या है? असंयोगी, इसलिए व्यतिरेक व्याप्ति बनेगा नहीं तुम्हारा। व्यतिरेक सिद्ध है मूर्तत्वं च अवच्छिन्न परिमाण अधिकरणत्वं, और मूर्तत्व का व्यर्थ क्या करोगे? परिच्छिन्न परिमाण अधिकरणत्वं करोगे। ततश्च परिमाण अधिकरणत्वेनैव व्याप्ति सिद्ध है अवच्छिन्न विशेषणस्य पक्षमात्र व्यापृति प्रयोजनस्य पक्षेतरता। इतना ही नहीं, और यदि आप ऐसे कहोगे इतना ही कह सकते थे परिमाण अधिकरणत्व, परिच्छिन्न परिमाण अधिकरण विशेषण क्यों दिया? परिच्छिन्न परिच्छिन्नत्व जो विशेषण दिया परिमाण में वो व्यर्थ है। परिमाण अधिकरण कह दो इतने से ही काम चलेगा, तो इतने ही कर दो व्याप्ति सिद्ध है, व्याप्ति बन रही थी। ये तरह तरह परिमाण अधिकरण तुम तरह तरह मूर्तत्व अथो संयोगत्व या संयोगित्व ये दोनों ही घट जाएंगे। तो ऐसे जो हो सकती व्याप्ति सिद्ध है अवच्छिन्न विशेषण से पक्षमात्र व्यावृत्ति प्रयोजक से, अवच्छिन्न विशेषण फिर क्यों दिया आपने? पक्षमात्र व्यावर्तन करने के लिए, आकाश है ना, आकाश अधिकम पक्ष है, वो कैसा है? परिच्छिन्न परिमाण वाला नहीं है, तो परिच्छिन्न विशेषण आपने दिया है पक्ष को ही व्यावर्तन करने के लिए, अतः पक्षेतरता दोष आ गया। पक्ष मात्र व्यावृत्ति प्रयोजन से पक्षेतरता, इस पहला लक्षण का खंडन। यहाँ तक की टीका देख लीजिए। इदानीम प्रसंगा संयोगादिकम खंडयति, प्रसंगवशात संयोगादि का भी खंडन करते हैं, न केवलम अवयवीवत अनेकवृत्तित्वात् संयोगादिर अनुपत्ति ही, क्या अवयवी के समान अनेक वृत्तित्व को लेकर द्वरूपी दोष को लेकर के संयोगादि की अनुपत्ति कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। स्वरूप अनुपत्तिश्च इति चार्थ, कि स्वरूप का अनुपत्ति की वजह से भी जो है संयोग की उपपत्ति नहीं हो सकती, यह हमारा कहना है। ये चकार का तात्पर्य अनुपत्तिश्च। अत्र समवाय निवृत्तये चतुर्षु पक्षेषु आद्यम विशेषणां, अप्राप्त ये जो का अनित्य जन्यत्व अव्यापी वृत्तित्व चारों लक्षणों का विशेषणांश जो है ये किस लिए है? समवाय में अतिव्याप्ति निवृत्ति करने के लिए। द्रव्येति द्रव्यम प्रति असमय कारण यथ एतद् वृत्तिर् या गुणत्वान्तर जाति संयोगत्वाक्या तदधिकरणं वा इत्यर्थः। द्रव्यत्व का आज द्रव्य का जो असमय कारण है जो उसमें वृत्ति जो गुणत्व का अवान्तर जाति लिंगम संयोगत्व उसको लेकर के लक्षण आ जाएगा संयोग में उसका अधिकरण हो। रूपत्वादिकम आदाय पहले पदकृत करते हैं, रूपत्वादि को लेकर के रूपाधिमत व्याप्ति परिहार आया आद्यम विशेषणम। ये जब इतना कहते गुणत्व अवान्तर जाति, गुणत्व अवान्तर जाति ही तब हो जाएगा रूपत्व ले लो अवान्तर जाति, तब हम रूप रूप में लक्षण चला जाएगा, कर रहे थे लक्षण संयोग का चला गया रूप में, तो अत्यंत निवृत्ति क्या करना पड़ा? तब इन्होंने विशेषण दे दिया, क्या विशेषण? द्रव्य असमवाय कारण, विशेषण क्या था? द्रव्य असमवाय कारण वृत्ति ये कह रहे, और रूपत्व क्या है? द्रव्य असमवाय कारण वृत्ति नहीं है। तो द्रव्य कौन है आपका? घटपटा जी, उसका असमय कारण संयोगी होता, रूप नहीं होता। रूप असमय कारण है किसके प्रति? घट रूप के प्रति, द्रव्य रूप द्रव्य के प्रति नहीं है, इन द्रव्यगत रूप के प्रति
कारण का रूप क्या है? असमय कारण है। ये तो आ गया ना, घट रूप, घट रूप कहाँ है? घट में। घट कहाँ है? कपाल में। कपाल रूप कहाँ है? कपाल में। एक कार्यकरण तो हो गया, इसे कपाल रूप घट रूप के प्रति असमय कारण, लेकिन द्रव्य के प्रति नहीं, द्रव्यगत गुण के प्रति गुण असमय कारण होता है, लेकिन साक्षात द्रव्य के प्रति गुण असमय कारण होते हैं। यदि साक्षात द्रव्य के प्रति असमय कारण कोई गुण होता है तो वह संयोग ही है और कोई नहीं होता। इसे द्रव्य असमय कारण कहने से आप गुणत्वान्तर जाति सबसे रूपत्व ले ही नहीं सकते, संयोगत्व ही लेना पड़ेगा। अब क्या कहो? द्रव्य असमय कारण वृत्ति, उधर रखो फिर विशेषांश। द्रव्य असमय कारण वृत्ति, द्रव्य असमय कारण कौन है? संयोग। उसे वृत्ति जाति कौन है? सत्ता। तत्जातिमान इस व्यक्ति नियम के क्या करना पड़ा निवृत्ति करने के लिए? गुणत्व अवान्तर जाति गए, और गुणत्व का अवान्तर जाति आपका सत्ता नहीं है, बल्कि गुणत्व का व्यापक जाति है सत्ता। इसे कहते हैं सत्ता महादय द्रव्य कर्मण और अतिव्याप्ति परिहार आय गुणत्व अवान्तर जाति ग्रहणाम। द्रव्य और कर्म भी सत्तावान है ना, व्यापक सत्ता वाले कहाँ है? द्रव्य भी सत्तावत्व है और कर्म भी सत्तावत्व आ जाएगा, उनमें अत्यंत निवारण करने के लिए गुणत्वान्तर जाति ग्रहण तत्रैव वर्तमान अवान्तर जाति है। वहां भी एक कहो गुणत्वान्तर क्यों कहो? द्रव्य असमय कारण वृत्ति अवान्तर जाति कह रहे हो, गुणत्वान्तर जाति मत कहो। द्रव्य के असमय कारण वृत्ति जो अवान्तर जाति, कोई भी अवान्तर जाति ले सकता हूँ, गुणत्व का अवान्तर जाति लेना जरूरी नहीं है, किसी भी अवान्तर जाति को ले लूंगा। तो कहाँ लक्षण अतिव्याप्ति हो रहा है? कहते हैं तत्रे वर्तमान अवान्तर जातीय इत्यम अभिधाने अपि गुणत्व जाति मत्तया रूपादु एव अतिव्याप्ति। गुणत्व को ले लो, द्रव्य के असमय कारण में रहने वाला जो अवान्तर जाति, कारण से हम गुणत्व जाति ले लूंगा। गुणत्व भी क्या है? द्रव्य में वृत्ति असमय कारण वृत्ति क्या हम ले लेंगे? पदार्थत्व। सामान्य लो, द्रव्य का असमय कारण हो गया संयोग, उसमें वृत्ति क्या लूंगा? पदार्थत्व। पदार्थत्व का अवान्तर जाति हो जाएगा गुणत्व जाति, तर गुणत्व जाति वाला कौन हो जाएगा? पूरे 24 गुण लक्षण कर देते संयोग का, चला गया सभी गुणों में। तब का द्रव्य का समय कारण वृत्ति जो गुणत्व का अवान्तर जाति ले लो, इसे द्रव्य का समय कारण संयोग, उससे वृत्ति जो गुणत्व है उस गुणत्व का अवान्तर जाति लूंगा तो संयोगत्व ही लेना पड़ेगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये कहने तत्रैव वर्तमान अवान्तर जातीय इत्येवम् अभिधाने अपि गुणत्व जाति मत्तया रूपादौ एव अतिव्याप्ति तद्व्यावृत्त्यर्थं गुणत्व ग्रहणम्। इसे उसके रूपादि सभी में जा रहा था, इसे गुणत्व ग्रहण कर लिया गया। अनुपत्ति हेतु श्लोके न संग्रहणाति, पांचों लक्षण होंगे अनुपत्ति को एक श्लोक में संग्रह कर रहे हैं। अन्योन्येति अप्राप्तयोरित्यत्र किम अप्राप्त शब्देन संयोग भावान संबंध भावान वा विवक्षते। अप्राप्त यो हो, इस शब्द का अर्थ क्या लेना है आप चाहते हैं? इस शब्द का अर्थ क्या लेना चाहते हैं? संयोग क्या अभाव को लेना चाहते हैं या सामान्य सामान्य का भाव को लेना चाहते हैं? प्रथमे संयोग सिद्ध हो लक्षण सिद्धि, लक्षण सिद्ध हो संयोग सिद्धि, इति अन्योन्य आश्रय। आत्माश्रय भी है अन्योन्य आश्रय दोष भी है। संयोग से अध्याप्य सिद्ध रित्या, कि संयोग तो आज भी सिद्ध ही नहीं, अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ, उसके लक्षण बना रहे थे आप अन्योन्येति। द्वितीय तंतुपटता समवाय अतिव्याप्ति, द्वितीय लक्षण लेंगे तो तंतुपटादि का समवाय में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उत्पत्ति प्राग असंबद्ध और अवयव अवयविनो समवाय संबंधे अतिव्याप्ति स्यात्, कि उत्पत्ति से पहले असंबद्ध थे कौन? अवयवी अवयव में, ऐसे उनका समवाय संबंध जो हो रहा है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। द्वितीय का तात्पर्य द्वितीय लक्षण नहीं लेना, अब जो विकल्प उठाया था द्वितीय संबंध भाव, यहाँ प्रथम और द्वितीय, प्रथम लक्षण में दो विकल्प हुआ ना, प्रथम लक्षण में अप्राप्ति का अर्थ दो कर दिया, संयोगाभाव अथवा संबंधाभाव। उसे संयोगाभाव लेंगे तो अन्योन्य आश्रय आत्माश्रय दोष हो गया, और संबंधाभाव लोगे तो तंत्रपटा समवाय में अतिव्याप्त। समवाय नित्यत्व प्राक तदियत्व भावेन तस्य अप्राप्ति हो प्राप्तित्वाद इत्याह। तो समवाय नित्य होने के कारण से पहले तदियत्व भावेन मैंने कार्यत्व ग्रहण नहीं था वहाँ पर, इसलिए अप्राप्ति प्राप्ति आ जाएगी, लक्षण अतिव्याप्ति दूर होगा। यदि पूर्व पक्ष गए अतिव्याप्ति थी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं कहा छोड़ दे, श्लोक है ना ये, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थेशु तो दूसरा चारों लक्षण में सामान्य दोष दिखा रहे,
अव्याप्ते रज संयोगे इति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। क्यों नहीं अज संयोगस्य विभुमात्रवर्तिनो अप्राप्तत्वम अनित्यत्वम जन्यत्वम अव्याप्य वृत्तित्वम वा संभवती। चारों संभव नहीं। पहला लक्षण का अप्राप्तत्व अज संयोग में संभव नहीं है, दूसरे लक्षण का अनित्यत्व, तीसरे लक्षण का जन्यत्व, चौथे लक्षण का अव्याप्य वृत्तित्वम वा नहीं संभवती। तथा तत्र व्याप्ति इस ऐसे अज संयोग में लक्षण का व्याप्ति हो गया। पंचमी दूषण महाद्रवित्वादी थी संग्रह विवरणौती न तावद इत्यादि न आत्माश्रय ग्रहणम अन्योन्य आश्रय से आपकी उपलक्षण। टीका में जो है आत्माश्रय कह दिए, श्लोक में तो अन्योन्य आश्रय कह दिए, तब कहते ठीक है टीकाकार जान के आत्माश्रय बिना आत्माश्रय का अन्योन्य आश्रय आ ही नहीं सकता। पहले आत्माश्रय ही होता है तब अन्योन्य आश्रय होता है, फिर आता है उस और आगे बढ़ोगे चक्र का, उस और आगे बढ़ोगे अनवस्था, ये क्रम है इसका। ननु मागो संबंधी न पटस्य पूर्व भाव तथापि तत्सबंध से समय से नित्यतया प्राग में सत्पात नात्व्यापृत संगत है। दूसरे पक्ष वाला संबंध भाव पक्ष, संबंध भाव पक्ष आप बोल रहे संबंध का भाव है नहीं, संबंध वहाँ पर है, संबंध का भाव तो है नहीं, हाँ तो संबंध है, क्या संबंध है वही समझा रहा है। कहते देखो संबंधी भले ही ना हो, मावत संबंधी न पटस्य, पट रूप संबंधी भले ही ना हो, पूर्व भाव नहीं है, तथापि संबंध से पट निरूपित जो समवाय नाम का जो संबंध है वो नित्य होने के नाते नित्यतया प्राग अभि सत्ता वो पहले भी है, इसे अतिव्याप्ति नहीं होगी इति शंकते समय से तथा किम तंतुपट विशेषत एव समवाय प्रागपि अस्ति किम वा स्वरूपेण एव। यहाँ विचार करते हैं तंतु और पट, तंतु पट विशेषित होकर के समवाय पूर्व में था या केवल स्वरूप से था, समवाय विशेषित होकर नहीं ना आद्य, क्यों कार्य संसर्ग से नित्यता आपत्या, कार्य का संसर्ग को भी नित्य मानना पड़ जाएगा। कापिल मतानुमति मति कलंक लेप आपातात, फिर तो आप सांख्यवादी हो गए। सांख्य दर्शन में क्या कार्यपाल से विद्यमान है, सत्कार्यवाद है, और आप कहते कार्यपाल नहीं है बाद बाद उत्पन्न करो असत्कार्यवादी है आप। कापिल मत का आपके ऊपर जो कलंक कीचड़ लेपायमान हो जाएगा। इत्याह तरीति द्वितीय आशंक्य दूषयती, द्वितीय क्या स्वरूपेण कहोगे अथापि इत्यादि न कार्य विशेषत प्राक नास्ति चेत इत्यादि ननु तर्हि अप्राप्ति प्राप्ति इत्येतावन इत्येतावन न लक्षण, फिर तो अप्राप्ति प्राप्ति ऐसा हम लक्षण नहीं करेंगे। इत्येतावन न लक्षण अपितु अप्राप्त्यो सतो प्राप्त, ऐसा करो विद्यमान अप्राप्तों की प्राप्ति। तथा च किरणावलिकार, ये किसने कहा था, किरणावलिकार ने कहा अप्राप्ति प्राप्ति संयोगी भाष्यम व्याचक्षाण अप्राह विद्यमान और अप्राप्ति प्राप्ति संयोगी तथा च न पूर्व अतिव्याप्ति, पूर्व अतिव्याप्ति दोष नहीं रहेगा पटस्य विद्यमान तभावात इति शंकित्वा पुनरपि तत्रैव अतिव्याप्ति आपाद्य, फिर भी वहीं पर अतिव्याप्ति दोबारा आ जाती है। क्यों अप्राप्ति और सतोरित विशेषणाद अदृश्य न के सदस्य संबंध भावात, सद और असत का संबंध ही नहीं रहेगा, तो सिद्ध से पट समय माननी पड़ेगी, सिद्ध से पट पट का समय मान लोगे फिर तो अतिव्याप्ति वैसे के वैसे रहेगा। एतेन एतदपि निरस्तम यथा उदय न, यह भी बात उदयनाचार्य चिंतन हो जाता है समवायस्तु अप्राप्ति और न संभवत्येव जाते है संबंधो अस्ति एक इति एक काल तावगमात इति, उन्होंने कहा समवायस्तु अप्राप्ति और न संभवत्येव, समवाय को लेकर के अप्राप्तों में संबंध की कथन आप नहीं कर सकते। क्यों जाते है संबंधो अस्तिव, क्यों जाति का संबंध और रहती है इति एक काल तावगमात, एक काल में विद्यमान होने के कारण से वह पूर्वोत्तर काल की बात है ही नहीं इति अव्याप्त, उसका भी खंडन हो गया ऐसा होता नहीं है। आप बाले माने पटत तो पहले से कहाँ है, पट ही नहीं है तो पटत तो कहाँ से आ जाएगा, इसे उदयन के बाद भी खंडित हो गया। अव्याप्त रित्यत विरणौती अज संयोग, अज संयोगे समवाय खंडन अवसरोक्तमेव अनुमानम स्मारयति, अज संयोग के विषय में समवाय के खंडन के अवसर में जो अनुमान दिया गया था उसी का वही अनुमान यहाँ पर भी दे रहे। आकाश कैसा है, आकाश आत्मना संयुज्यते, आत्मना समवयति का समवाय खंडन में यहाँ संयुज्यते कहने आकाशादिकम आत्मना इति कृतुपपादनाश्च तत्रैव एते ग्रन्था, शेष वाक्य को वही देख लेना वही विस्तार पर हमने समझा दिया है। ननु उक्तस्य पुनः कथनम वृथा,
क्योंकि जो है उक्त का पुनः कथन करना व्यर्थ है, इसे न अधिकारत्व ऐसा मत कहो। ये वहां कहे थे वही अनुमान दोबारा क्यों दे रहे, व्यर्थ हो गया कद नहीं। या दोबारा जो ग्रहण किया उसको अधिक बात गहरा इष्ट है। यहाँ कस्तरी अधिक अर्थ क्या अधिक अर्थ बताना चाह रहे या उपाधि दिखाना चाह। पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्धांत के अनुमान पे मूर्तत्व उपाधि दिया जाएगा और उपाधि का खंडन करना है, ये अधिक यहाँ कथन करना इष्ट था। तमाह मूर्तत्व चेती अत्र परिमाणाधिकरणत्वम इतिवतव संयोग अनर्र गुणादि व्यावृत। ये परिमाणाधिकरणत्वम इतना ही कहने से संयोग योग्य नहीं है, ऐसे सारे गुणादि व्यावृत्ति हो जाएगी। तो पक्षीकृत तत्तुल्य विभू द्रव्य मात्र व्यावर्तक अवच्छिन्न विशेषणत्वाद विशेषणवत्वाद अयम पक्षेतर। इन पक्ष में गिर लिया गया जो आकाश आदि हैं तत्तुल्य विभू द्रव्य मात्र व्यावर्तन करने के लिए आपने यदि परिचिन शब्द का प्रयोग कर दिया, मैंने पक्ष का ही व्यावर्तन करने के लिए जो पक्ष का विशेषणांश है व्यापकत्व उसका विरोध करते परिचिन तो प्रयोग कर रहे हो, फिर तो पक्षेतर का दोष आ जाएगा। अतएव एतस्य विवरणम अजसंयोगी थी, इसलिए ही यह विवरण कहते अजसंयोग का विवरण किया। श्लोकोक्तम अतिव्याप्तिम आह क्रयादि थी क्रयादि जन्य स्वस्वामी संबंधादिशु अतिव्याप्तिश्च आगे आएगा न द्वितीय तृतीय न द्वितीय तृतीय वापस लौटी मूल में न द्वितीय तृतीय। दूसरा कौन सा लक्षण है अनित्य संयोग, तीसरा है जन्यत्व, दूसरा अनित्यत्व विशिष्ट है, तीसरा जो जन्यत्व विशिष्ट है। अनित्यत्व कहो या जन्यत्व कहो तो भी निवृत्त नहीं हो पाएगा दोषों का। क्यों कहाँ अतिव्याप्ति है दृष्टान दिया श्लोकोक्तम अतिव्याप्ति माह क्रयादीति अतिव्याप्ति प्रसंगता कहाँ अतिव्याप्ति हो रही वो बता रहे हैं स्वस्वभाव संबंध में अतिव्याप्ति है। वो भी क्या अनित्य भाई क्रयण किया आपने कितने दिन तक आप उनके मालिक हैं, जितने दिन के लिए आपने खरीद रखा है। जैसे पंडितों का आपने ले लिया पाँच दिन के लिए वर्ण कर लिए थे या दस दिन के लिए करण कर लिया, जितने दिन तब तक वो आप मालिक हैं, आप आपका जीव जीन करते रहेगा, आपको खुश करने देखते रहेगा, बढ़िया से इनके सामने पाठ करेंगे, बढ़िया से पूजा करेंगे, बढ़िया से करेंगे। क्रयण के अधीन जो स्वस्वय भाव संबंध बना वो तो अनित्य है जन्य भी है, उसमें लक्षण चला जाएगा। इतना ही नहीं आदि से क्या लेना है भृत्य का लेना स्वत्व और स्वामित्व, स्वत्व और स्वामित्व संबंध। इसी प्रकार से भृत्य का नौकर का भी वो तो महीनों के लिए है ना, सालों के लिए भी हो सकता है, तनख्वाह से बंधा हुआ है, जो कहोगे करते रहेगा, हमारे कुछ साहब बोलते रहेगा वो भी। संबंध आयुष अतिव्याप्त तेषाम जन्यत्वाद अनित्यत्वाद च, क्यों जितने स्वस्वामी भाव संबंध है भृत्य स्वामी भाव संबंध है ये सब कैसे हैं जन्य हैं और अनित्य हैं। नहीं थे संबंध आ और का पूर्व पक्षी कहता है अरे स्वस्वय भाव संबंध को मानते ही नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है, तात्कालिक स्वीकृति हो गया मन से कोई संबंध थोड़ा हो गया, वहां पर कुछ नहीं संबंध मानते। स्वत्व स्वामित्व आदि नाम दुष्टत्व भावाद क्यों नहीं संबंध मानोगे के दुष्टत्व दो में होना चाहिए संबंध का, दो के बीच में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, दोनों पर बैठा संयोग संबंध कैसा है दोनों पर संबंध है, दोनों में रहता है संयोग एक में नहीं है। और स्वत्व कहाँ है यहाँ स्वामे, स्वामित्व कहाँ है स्वामी में, स्वत्व दोनों में नहीं है स्वामित्व भी दोनों में नहीं है, दुष्ट होने से स्वस्वय भाव को हम संबंध मानते। ये पूर्व प्रसिद्ध कहते चेत तत्किम इदानीम विशेषण विशेष भावों पर न संबंध, फिर कहते तुम्हारा सारा चौपट हो जाएगा मामला। ये तो विशेषणत्व कहाँ रहेगा विशेषण में, विशेषत्व कहाँ रहेगा विशेष में, फिर विशेषण विशेष भाव नाम का भी एक संबंध नहीं मान सकते, वो भी दुष्ट नहीं है। यदि विशेषण विशेष संबंध नहीं मानोगे तो सामान्य विशेष समवाय सब गया, क्योंकि विशेषण विशेष भाव संबंध से ही आप इनका प्रत्यक्ष करते हो, है ना, संयुक्त समवाय संयुक्त संवेद समवाय ये जो कर रहे हो सब विशेषण भाषण है ना, विशेषण है ना, वो द्रव्य से आम का संयोग हुआ उसे विशेषण भूता वस्तु, और विशेषण भाषण का स्वभाव का प्रत्यक्ष आप मानते हैं वो सब चौपट हो जाएगा। तथा च सुव्याहतम ये तो वर्तव्य का दोष हो जाएगा आपका कि विशेषण विशेष भाव संबंध अभाव संबंधात अभाव समय और ग्रहण मिति, आपने एक तरफ कहते विशेषण भाव संबंध से अभाव का भी प्रत्यक्ष होता है समवाय का प्रत्यक्ष होता है, और अब कहते विशेषण में कोई संबंध ही नहीं है अपिच एवं समवायों पर संबंध न सियात, इधर फिर तो समवाय भी संबंध नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह घट पटे न संयुक्ता पटस्य घटे नीतिवत तंतुष पट संवेत पटे च तंतव संवेता इति तुल्य रूप अभावात,
कि जैसा वहाँ संयोग के लिए दुष्टता के लिए जो व्यवहार होता है वैसे दुष्टत्व के लिए व्यवहार होना चाहिए। वहाँ दुष्टत्व का व्यवहार क्या है, घटा पटे न संयुक्ता पटस्य घटे न संयुक्ता, ऐसा होता है। वैसे यहाँ नहीं है, तंचु पट संवेता पटे च तंत संवेता, यहाँ तो सप्तमी उल्टा है, इस संबंध हो नहीं सकते इन दोनों के बीच में। इति तुल्य रूप व्यवहार अभाव, क्योंकि यहाँ आधार आधे भाव है, यहाँ क्या है तंत्र और पट में आधार आधे भाव है, और वहाँ घट और पट के बीच में आधार आधे भाव नहीं है। घट पट से संयुक्त है, पट के ये कपड़े के ऊपर खड़ा करो तो घड़े के ऊपर कपड़ा रखो तो ऐसे नहीं है ना, अगल बगल में रख दिए तब तब भी तो संयोग होगा, ये कोई जरूरी है नहीं आधार आधे भाव से रखो। इसमें तृतीय प्रयोग किया आपने, घटा पटेना पटा घटेना तृतीय प्रयोग हुआ, और यहाँ सप्तमी प्रयोग कर रहे हो आप तंतुषु घटा तंतुषु पटा संवेता और पटे चंतु संवेता, इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हो, तुल व्यवहार ना होने से यहाँ से नहीं मान सकती। तंत मैंने समवाय का भी खंडन होगा, तंतु पटो संबद्ध हो, तब पूर्व पक्षी कहता है ऐसा है समवाय फिर भी दृष्ट सिद्ध हो जाएगा, कैसे प्रत्यय के आधार पर। प्रत्यय क्या है कहते बता रहे तंतु पटो संबद्ध हो, तंतु पट दोनों कैसा है संबद्ध है, वो संबंध का नाम समवाय रख दे रहे हैं तो दृष्ट हो गया कि नहीं हो गया। व्यवहारित चेत समम समाधान, मैं समाधान में कही स्वस्वामी नौ संबद्ध हो, मैं ही कहूँगा फिर स्वस्वामी नौ संबद्ध हो इति व्यवहारात व्यवहार स्वभावी संबंध मान लो। इस तरह से द्वितीय तृतीय एक साथ खंडन हो गया, और चौथे का अजय संयोग अव्याप्ति नापि चतुर्थ, वहाँ भी अजय संयोगों में अव्याप्ति होगी। नहीं निरवेशु नित्येशु संति प्रदेशा अव्याप्य वृत्तित्व, मैंने चौथा लक्षण अव्याप्य वृत्ति का नाम संयोग, वो नहीं हो सकता क्योंकि आकाश कैसा है व्याप्य वृत्ति है, उसका संयोग भी व्याप्य मानना पड़ेगा, अव्याप्य तो हो नहीं सकता। तो निरवेशु नित्येशु संति प्रदेशा न न अन्वय कर दो, न प्रदेशा संति यान अव्याप्य अयम एक देश वर्तित, जिनको लेकर के यह अव्याप्यता पूर्वक एक देश में विद्यमान है ऐसा हम संयोग का व्यवहार कर सकें, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि देश प्रदेश व्यवहार है ही नहीं। ना भी पंचमा फिर द्रव्यत्वाद को लेकर कहो द्रव्य से समय कारणानाम जातिश्चा निरुक्त हो तद विशेषित लक्षण सिद्ध है, द्रव्य का असमय कारण का जाति का अभी तक निर्वचन हुआ ही नहीं है, इसे तद घटित तद विशेष पदों से घटित लक्षण का भी असिद्धि कहना होगा। यहाँ तक की टीका देखिए क्रियादीति आदि शब्द है ना भृत्य स्वामी संबंधादि गृहियंत है तद लक्षण च नयति उसे लक्षण तेषाम इत्यादि ना समाना ची एम प्रथम प्रथम अपनी यह प्रथम लक्षण में भी समान दोष समझना चाहिए। स्वस्व स्वाम्याधार आधेयादिशु विशेषण संभव अपनी संबंध रूप विशेष अभावाद अतिव्याप्ति परिहारम शंकत है, कहते स्वस्वामी आधार आधे आदियों में विशेषण तो भले ही है किंतु वहाँ संबंध रूपा जो विशेष अभाव विशेष का न होने से अतिव्याप्ति नहीं होगी, ऐसी आशंका करें कहते नहीं तो इति दुष्टत्वे चोभयत्रापि अविशिष्ट बुद्धि उत्पत्ति प्रसंगात, ये दुष्ट होता फिर तो उभयत्र अविशिष्ट बुद्धि होना चाहिए। जैसे हम कहते पठन निरूपित समवाय तंत्र में, तंत्र निरूपित समवाय पठ में, ऐसे स्वत्व स्वामी में कभी नहीं जाएगा, इन स्वामित्व स्वत्व में कभी आ नहीं सकता, इसीलिए वहाँ घटता नहीं है अतिव्याप्ति दूर हो गई, ये पूर्व पक्ष का आशंका थी। तदम अपनी अपसिद्धांत दूषित है, तब कभी ये नहीं हो सकता है, विशेषणांश है तो वहाँ कोई विशेष मान नहीं पड़ेगा, विशेष नहीं ऐसे कैसे कह सकते हो दोनों है, और यदि विशेष विशेष भाव को दुष्ट मानते हो फिर तो स्वस्व भाव को दुष्ट मानना ही पड़ेगा, अतः स्वस्व भाव जो दुष्ट नहीं है फिर तो विशेष विशेष भाव भी दुष्ट नहीं होगा। किंच उभयत्र तुल्य बुद्धि अजनकतया उभयनिष्ठत्व भाव न स्वस्वाम्यादीनाम असंबंधत्व अभिमन्यमानस्य समवायोपि संबंधो न स्यात् तस्य अपि तदजन्यत्वात् इत्याह अपिचैवम् इत्यादिना, कहते यदि आप कहते हो उभय तुल्य बुद्धि अजनकतया है ना, घटे न पटा पटे न घटा और तंतुषु पटा ये जो कहा गया था तो वो जो वहाँ पर तुल्य बुद्धि का जनक न होने से उभयनिष्ठत्व भाव है, उभयनिष्ठता निर्दिष्टत्व न होने से स्वस्वामी आदियों में संबंध नहीं है यदि कहोगे, यदि ऐसा कहते फिर तो समवायों पर संबंध न सर फिर समवाय भी संबंध नहीं रह जाएगा, तस्यापि तदजनकत्वात् कि वह भी जो है तारस बुद्धि का जनक नहीं है अपिचय इत्यादि तुल्य रूप व्यवहार सद्भाव शंकते तंत्र पटक, तो कहते नहीं
समान व्यवहार है। तंत्र पटाओ संबद्ध हो, जैसे घट पटाओ संबद्ध हो, संयोग का कारण हुआ। इसी प्रकार तंत्र पटाओ संबद्ध हो, ये समय का ज्ञान केल का कारण बन जाएगा। यदि ऐसे पूर्व पक्ष कहता है तो समाधान साम्य मीम आह स्वस्वामी लोग भी, पर मैं कहूँगा स्वस्वामी भाव का संबंध भी मान लो, फिर क्यों नहीं मानते? वहाँ भी व्यवहार करेंगे ना, स्वस्वामी लोग संबद्ध हो व्यवहार कर दूंगा। ये तेना कार्य संबंध संयोगी थी लीलावती भी निरस्ता, कार्य संबंध समवाय जो लीलावती कारक मत है वह भी खंडित हो जाता है। अव्याप्य वृत्ति संबंध इति चतुर्थ पक्षम अव्याप्तिया दूषयती नापि चतुर्थ इत्यादि ना, क्यों द्रव्य असमवाय कारण इत्यादि शिवादित्य मिश्र लक्षण अपनी दूषित, पांचवा लक्षण नापीति द्रव्य निरुक्त, क्यों द्रव्य की निरुक्ति भी नहीं है। प्रागेवक्तत्व कर्म खंडन समय च असमय कारणत्व से निराशात, और कर्म का खंडन करते वक्त ही असमय कारण का भी हम खंडन कर चुके हैं। निराशात गुण लक्षण खंडनात् जाति खंडनात् च तद गर्भितम इदम अपि लक्षणम खंडितम इत्यर्थः।